आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी दल इस बार के चुनावों में महिलाओं को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि महिलाएं जो इस पार्टी को अधिक संख्या में वोट करेंगी, सरकार उसी की बनेगी। कांग्रेस ने तो यहां तक की ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में यह ऐलान कांग्रेस का कहीं ना कहीं पंजाब में घटता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबंध में लोगों ने खूब सराहना भी कांग्रेस की थी और कांग्रेस की काफी चर्चा भी रही। उत्तर प्रदेश में 40% टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएंगे, उनको विधानसभा में भी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब पंजाब की बात आती है तब कांग्रेस का ये दावा हवाई साबित हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य पार्टियों ने भी महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी दिखाई है। कांग्रेस जिसका यूपी में चुनाव प्रचार महिलाओं को 40% टिकट देने के इर्द गिर्द घूमता रहा, उस पार्टी ने पंजाब में सिर्फ 10% महिलाओं को ही टिकट दिया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें से महज 11 टिकट जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान है कि अगर कांग्रेस दोबारा सरकार में आई तो हर गृहिणी को 2000 महीना, साथ ही साल में 8 गैस सिलेंडर सरकार की ओर से मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने 2 महिला कैबिनेट मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व मंत्री राजविंद्र कौर भट्टल को लहरा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। पंजाब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बलबीर सिंह सोढ़ी ने तो पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि अगर बची हुई सीटों पर, बची हुई जो 8 सीटें हैं उन पर अगर महिलाओं को नहीं उतारा गया तो इस संबंध में वो खुद आवाज उठाएंगी। तो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वायदे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है और जिसकी वजह से एक बार फिर से पार्टी में या तो अंतर्कलह कह लीजिए या महिलाओं का रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 40% महिलाओं को टिकट दिया गया तो पंजाब में भी महिलाएं ये मांग कर रही थी या फिर उनको ये आशा थी कि पंजाब में भी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। इस बार महिलाओं को लुभाने का प्रयास तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये दावा जो है, जो दावा उन्होंने किया था उस पर फिलहाल कांग्रेस खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। ये दावे इसलिए भी मजबूत माने गए थे महिलाओं द्वारा क्योंकि किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं, ये जो वायदे हैं ये खुद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किए थे। चलिए तो बात एक बार फिर से कांग्रेस और पंजाब की कर लेते हैं। जिस तरीके से पंजाब में फिलहाल महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया है उसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से महिलाओं को टिकट देने का वायदा किया गया था, 40% का वादा करने वाली कांग्रेस लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने वादा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वायदे की गाड़ी कहीं ना कहीं, बात अगर करें पंजाब की तो वहां पर आते आते उसमें पेट्रोल शायद खत्म हो गया है आपकी गाड़ी में। देखिए मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश ने हरदम राजनीति को एक नई दिशा दी है और उससे जो है वो प्रदेश कोई भी हो और कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों को इस पर चलना पड़ा है। और आने वाले समय में प्रियंका जी ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे, जो है पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हम इसको एक ट्रायल बेस पे कर रहे हैं और उसके बाद इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से पंजाब में जो है हमारे पास जो है उम्मीदवार हैं, विधायक हैं और जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया गया है उसमें, हाँ इस बात का वहाँ पर ना कोई वादा था ना वहाँ पर इस चीज की कोई घोषणा की गई थी। ये कहना कि वादा करके, तो वादा तो वहाँ बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेकिन संदीप जी, वायदा वहाँ नहीं था लेकिन बात यह है कि जब आपके राष्ट्र महासचिव ये वायदा करती हैं तो हर प्रदेश की जनता को ये उम्मीद होगी, हर प्रदेश की महिलाओं को ये उम्मीद होगी कि उनके लिए भी ये वायदा होगा, क्योंकि वो कोई आम नेता तो नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने ये वायदा किया है। और रही प्रदेशों की बात, तो क्या उत्तर प्रदेश की ही महिलाएं सक्रिय है आपके लिए? पंजाब के महिलाओं में क्या वो दम नहीं देखते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल है दम, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कहा कि प्रियंका जी प्रभारी उत्तर प्रदेश की हैं, न कि पंजाब की हैं,
उन्होंने प्रभारी होने के नाते, उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की। आगे आगे राहुल जी ने भी इस बात को कहा है और प्रियंका जी ने भी कहा है। प्रियंका जी की भी जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी और राहुल जी ने जिस प्रकार से अपने संगठन में जो है उन्होंने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम इसको पूरे देश में लेके जाएंगे। तो ये कहना कि पंजाब की महिलाएं कमजोर है, मैं इकट्ठे ही नहीं कहूंगा। पंजाब की महिलाएं बहुत मजबूत है और आने वाले समय में वहां भी 40% का जो है वो फार्मूला लागू होगा। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आप आने मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको जो है पूरे प्रदेश के परिवेश में लीजिए और हर पार्टियों को लागू करना पड़ेगा। कोई कांग्रेस ही नहीं कि कांग्रेस में ही लागू होगा। आने वाले समय में महिलाओं की जो ये भागीदारी है, ये सारी पार्टियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी इनके लिए राजनीति संभव होगी। ठीक है त्रिपाठी साहब। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है, बहुत स्वागत है उपाध्याय साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, 10% पर अटक गई है पंजाब में कांग्रेस महिलाओं के नाम पर। इस और जिस तरीके से त्रिपाठी साहब ने कहा कि ये वायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का था, किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इस चुनावी वायदे को देखते हैं? देखिए उन्होंने तो बांट दिया, वो कह रहे हैं प्रियंका जी वहाँ की इंचार्ज है यूपी की, उन्होंने कहा है राहुल जी यहाँ के इंचार्ज है। देखिए कोई इंचार्ज है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई सचिव है, जो भी है पार्टी तो एक ही है, तो दो पैरामीटर कैसे हो सकते हैं? एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, 40% हिस्सेदारी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पंजाब में उसे लागू नहीं करते हैं। तो ये मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, ये जो है ना जो चरित्र हो गया है राजनीतिक पार्टियों का, इससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जगमगाता है। कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आता है। अगर आपने एक पैरामीटर सेट किया है कि भाई हम 40% टिकट देंगे महिलाओं को, तो वो हर जगह पैरामीटर एक ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि यूपीएम अपराध होगा तो हम हला मचाएंगे और अगर राजस्थान में होगा तो हम चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और इसी का परिणाम है मुस्कान, मैं देख रहा हूँ तो महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन जो एक पुरुष प्रधान मानसिकता है उसका बोलबाला भी साफ नजर आता है। बिल्कुल। और उसी का परिणाम है कि महिलाएं सशक्त नहीं हो पाती हैं और महिलाओं की जो आधी आबादी है 50% का कोटा क्यों नहीं होता? आधी आबादी को इस तरीके से उसके अधिकारों से वंचित रखना या उसके नाम पर सिर्फ राजनीति करना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। आज आपने कहा उपाध्याय साहब आपके पास, त्रिपाठी साहब आप ही की बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी साहब देखिए अभी अभी उपाध्याय जी ने दो तीन बातें कही और प्रपंच में मैं कह देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धान का मूल्य और गेहूँ का मूल्य 2500 रुपए रखा और उसी समय और राज्यों में चुनाव हुआ उस बात को नहीं रखा, वहाँ पर हमने कहा और हम सफल हुए और आज वहाँ दिखाया हमारे पास। लेकिन बतौर राष्ट्रीय महासचिव त्रिपाठी साहब, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि बाकी प्रदेशों की जो महिलाएं थी उनके मन में भी उम्मीद जागी थी कि उनको भी इस तरीके से टिकट मिलेगा, लेकिन मात्र 11 टिकट पंजाब में आपके खुद की जो सुनिए तो सही त्रिपाठी साहब, सवाल तो कम से कम सुन लीजिए। आपकी खुद की पार्टी की जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है बलबीर सिंह सोढ़ी, उन्होंने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए पहली बात तो जो बात मैं कह रहा था वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उसमें राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये बात कही और पूरे और प्रदेशों में चुनाव थे उसी के साथ में, वो बातें नहीं, हमने छत्तीसगढ़ में कहा, वहां की जनता ने हम पे विश्वास किया, हम सफल हुए वहां करके दिखाया और आज उसी मॉडल को हम अन्य प्रदेशों में लेके जा रहे हैं। सारे प्रदेशों में हमने ये बातें कही, पहले हमने एक जगह उस बात को लेके गए, उससे जनता ने विश्वास किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हम एक नई चीज लेके आए हैं। आज महिलाओं की बात कभी होती नहीं थी और महिलाओं के लिए कांग्रेस ने पहले भी किया है, पंचायत चुनाव में 35% का आरक्षण किसी और ने नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया। लोकसभा में बिल हम लेके आए महिलाओं के आरक्षण के लिए, उससे सारी पार्टियों ने विरोध किया। आप अगर ये बात अभी आपने कहा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि जो है अच्छा अच्छा गप और खराब खराब थू,
तो आप कभी भाजपा से सवाल पूछिए कि आप गाय को जो है उत्तर प्रदेश में माता कहते हैं और गोवा में कहते हैं कि हम बीफ आपसे देंगे, उनसे कभी आपने सवाल पूछा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, और मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो, ये बात तो उनसे भी होनी चाहिए। हम तो यहाँ सरकार में भी नहीं है, वो तो सत्ता में है तब तो सवाल पूछा नहीं सकता, दोनों जगह उनकी सत्ता है, हम तो एक जगह सत्ता में है एक जगह में नहीं है, अब आप हमसे सवाल कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक नई राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में, हरदम पूरे देश को एक राय दिखाई है उत्तर प्रदेश से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको पूरे देश में लेके जाएंगे, ये जो है प्रियंका जी ने भी कहा और राहुल जी ने भी कहा और करके दिखाया भी है, हमारे पास एग्जाम्पल पहले भी है, तुम आगे अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल लेके जाएंगे। और अब आप ये कहिए कि पंजाब में आपकी सरकार है आपने कर दिया तो वहाँ नहीं किया, बाकी आप जो है कहते हैं तो गोवा में भी तो हमारी सरकार नहीं है, हम वहाँ भी ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, इसके नाते उन्होंने अगर अपनी बात रखी है उसको अगर पार्टी को और जनता को समझ में आता है तो उनको लगता है। संदीप जी आप ही की बातों में एक सवाल तो फिर खड़ा होता है, आपने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है ना प्रियंका गांधी, ये बात आप मानते हैं, तो फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे पंजाब में वहां पर उनके सुरक्षा में चूक का जो मामला है उसमें क्यों सारी जानकारी जो है वो सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को दी, उस समय भी तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी ना। देखिए प्रियंका जी का आप एक इंटरव्यू देख लीजिए, एक सवाल प्रियंका जी से किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोई संवैधानिक कर्तव्य भी नहीं हूँ कि मैं उनसे जवाब ले सकूँ, वो मुख्यमंत्री है उनका सम्मान है, मैं उनसे कैसे जवाब ले सकती हूँ। हाँ मैंने उनसे जानकारी जरूर ली थी कि क्या मामला है, एक पार्टी के महासचिव होने के नाते हमने उनसे जानकारी ली थी। आपने तो प्रियंका गांधी के पदों को ही दो जगह पर बांट दिया है उपाध्याय साहब, इसी पर मैं अगला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, पार्टी महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन जब बात सीटों की आती है महिलाओं की आती है तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हो जाती हैं, वैसे वो राष्ट्र महासचिव है। देखिए अपने अपने तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं त्रिपाठी जी, लेकिन अपनी बातों में ही खुद फंस जाते हैं कि वो पार्टी महासचिव हैं, यूपी की प्रभारी हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने यूपी में किया है भी छत्तीसगढ़ में किया है। मैं तो ये कहूंगा त्रिपाठी जी आपके पास कोई मॉडल नहीं है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी बात करती है तो वो दिल्ली मॉडल की बात तो करती है, बीजेपी ने बात की थी तो गुजरात मॉडल की बात तो की थी, लोगों के सामने लेके तो गए थे, कहां से अगर आप भी कोई एक स्टेट मॉडल डेवलप करके और उस स्टेट के मॉडल को जनता के बीच में लेकर जाते साहब कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्यों 40% और गाय और भाई घूम रहे हैं आप, सीधी बात बोलिए छत्तीसगढ़ हमारा मॉडल है और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम किसानों का भला करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। अरे प्रभु जनता को विश्वास करेगी उसमें, बिल्कुल जनता को विश्वास करेगी, हम धान गेहूं की कीमत रखकर कैसे विश्वास करेगी, योजना लागू करेगी जनता विश्वास क्यों करे और कैसे करे। त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 40% महिलाओं को टिकट देंगे और पंजाब में उसे लागू नहीं कर रहे हैं, फिर आप उसको कह रहे हैं हम देश भर में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे जब उत्तर प्रदेश से आप पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकते, कैसे उम्मीद की जाए कि पूरे देश में आप उसको अमलीजामा पहन आएंगे। मुस्कान जी देखिए यहीं पर डबल स्टैंडर्ड समझ में आता है, आप जो है पंजाब की बात कर रहे हैं, गोवा की बात क्यों नहीं करते, आप हमसे गोवा पे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, आप मणिपुर पे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने यहाँ किया तो वहाँ क्यों नहीं किया आपने। देखिए आप एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी बात अभी गाय और उसकी बात की तो छत्तीसगढ़ में गोठान योजना लागू है, हमारा बोनस मैंने फर्स्टो पढ़ी है उसमें बाकायदे हमने जिक्र किया है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी साहब उपाध्याय साहब ने यही तो कहा ना आपसे जी यही बात मैं कह रहा हूँ कि गोठान योजना लागू है, हमने उसको मैनिफेस्टो में देखा भी है, उसको आप पढ़िए, हमने बहुत सारे वादे किए हैं जिसमें से 90% चीजें छत्तीसगढ़ से हमने ली है और छत्तीसगढ़ मॉडल की हम बात कर रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी को हमने जो है अपनी कैंपेन का चेहरा बना रखा है, वो आज जो है उत्तर प्रदेश में अपने कार्यों के आधार पर वो बता रहे हैं कि हाँ हमको वहाँ मौका मिला, हमने ये करके दिया है, अगर यहाँ मौका आप देंगे तो हम ये वही वही चीजें यहाँ करके देंगे। तो ये बात तो आप कह रहे कि मॉडल नहीं है, बिल्कुल मॉडल है, क्यों नहीं मॉडल है हमारे पास। लेकिन उपाध्याय साहब ने ये कहा कि त्रिपाठी जी जब आप छत्तीसगढ़ की मॉडल की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में किसानों का भला किया, फिर इसी पर आते ना पंजाब और उत्तर प्रदेश में गोवा में, आप क्यों महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में आप 40% कर रहे हैं तो बाकी महिलाएं जो है वो भी तो बतौर राष्ट्रीय महासचिव
प्रियंका गांधी हैं, तो उसका जिक्र करते हुए उन महिलाओं के मन में भी तो आस जगी रहा। अब आप देख लीजिए उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, अपनी ही आपकी ही पार्टी की महिलाएं जो है वो परेशान हो रही है, वो आपके खिलाफ हो रही है, और पंजाब में भी यही देखने को मिल रहा है। दोनों जगह बात तो सेम है ना, क्योंकि महिलाओं के मन में ये आस जागी, अब महिलाएं चाहती है कि उनको टिकट मिले और महिला सशक्तिकरण का बात जो कांग्रेस ने कही है उसको पूरा करे। फिलहाल समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल महिलाओं को लुभाने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही है, अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी कब अपना चुनावी प्रचार जो है वो पूरा करेगी। और जिस तरीके से तमाम ये महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, अभी भी पंजाब में 8 उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है, इन 8 उम्मीदवारों में क्या कांग्रेस एक बार फिर से महिलाओं को बढ़ावा देगी ये देखने वाली बात होगी।